दिखने में ये काफी इजी ऑफ रोड है, बट ना जो इसकी है ना, इसकी स्क्रीन उड़ चुकी है क्योंकि एक दिन गिर गया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो यार, आज की वीडियो की शुरुआत हमने कर ली है और आज की वीडियो की शुरुआत हुई है जीजू के ऑफिस से। उसका रीजन ये है, घर पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, घर पे वाईफाई नहीं चल रहा है ना, तो जीजू के ऑफिस में वाईफाई चलता है और सबसे पहला काम सुबह करना होता है हम लोगों को वीडियो अपलोडिंग। और आज के काफ़ी सारे प्लान्स हैं हमारे, पहले ना वीडियो अपलोड करते हैं उसके बाद बाकी प्लान्स हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का दिन करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। और तरुण भाई और मैं बैठ चुके हैं यहाँ पे अपलोडिंग करने के। हाँ जी, जनता बोलती है मेरी वीडियो में कुछ बोलते नहीं होगा, क्या सुनना चाहेगी जनता, बताइए बताइए कमेंट में जाके बताइए क्या सुनना चाहते हैं। जो बोलेंगे, अभी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद हमारे बहुत से प्लान्स हैं, यही है। तो चलिए पहले ना वीडियो अपलोड करते हैं, उसके बाद बाकी बातें हम बाद में करेंगे। फिर अभी वीडियो अपलोडिंग वगैरह चली हुई है और साथ में ना चाय आ चुकी है, हमने कहा जब तक वीडियो अपलोड होती है ना चाय भी पी लेते हैं। और तरुण भाई को दे दिया है मैंने BRM एक्सपीडिशन का एक स्टिकर, पिछले घर हमने इतनी स्टिकरिंग करवाई ना तरुण भाई, उस टाइम पे ये स्टिकर दिया नहीं। मैं ये सोच रहा हूं ये तो डोर पे इतना परफेक्ट भी लगता है और बड़ा साइज भी है और कलरफुल भी है ना, कलरफुल है, देखो ना ये देखो बढ़िया एकदम, ट्राई मारेंगे कहीं ना कहीं ट्राई मारेंगे। तो गाइज अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है मैकबुक प्रो, जीजू का मैकबुक है, बट इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, स्क्रीन जो इसकी है ना, इसकी स्क्रीन उड़ चुकी है क्योंकि एक दिन गिर गया था ये, यहाँ से देखो हल्का सा ये निकल गया है और स्क्रीन इसकी टूट चुकी है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पड़ी है ऊपर, स्क्रीन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। वर्क तो ये एज ए मैकबुक ही करेगा, बट इसकी जो स्क्रीन होगी ना, डिस्प्ले मतलब इसकी जो डिस्प्ले होगी, डिस्प्ले वहाँ पर शो होगी, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो यार अभी के सीन्स कुछ ऐसे है कि ना हम लोग जा रहे हैं मार्केट तक, जैसे मेरी गाड़ी में पीछे रॉड लगाई है ना, जो कि चढ़ने में भी काम आती है और साथ में सेफ्टी भी, अगर गाड़ी कहीं टच हो गई, हम टच ना करें जरूरी नहीं है, कोई पीछे से आगे भी अगर टच कर लेता ना गाड़ी को तो सेफ्टी रहती है। तो तरुण भाई की गाड़ी में ना वो रॉड नहीं लगे, तो जाके ना वो रॉड लगाते हैं। तो जी अभी हम निकल चुके हैं गाड़ी का काम कराने के लिए और मैं हूँ ड्राइवर सीट पे, तरुण भाई बैठ गया साथ में और मज़ा है। और यार तरुण भाई की गाड़ी में बताए क्या फ़ायदा है, स्टीयरिंग बहुत सॉफ्ट है। मेरी गाड़ी में चाहे जितना मर्जी कंफर्ट हो ना, स्टीयरिंग बॉक्स गया हुआ है, स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसमें देखो ना बहुत स्मूथ है, मज़ेदार। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बांग वाली लोकेशन में, जहाँ पे लास्ट टाइम मैंने, करण ने और विशु ने ऑफ रोड किया था अपनी जिप्सी में। दिखने में ये काफ़ी ईजी ऑफ रोड है, बट ना लाइव, अगर आप लाइव की बात करो ना, मैं तरुण भाई का एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, लाइव में कैसा है बताओ। लाइव में तो मतलब वीडियो में क्या, ऐसे 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 तो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है ये और काफ़ी ज़्यादा टफ भी है, लेकिन वीडियो में वैसे नहीं दिखता, वीडियो में इजी लगता है। तो यहाँ पे आने का रीज़न ये था कि हम सोच के चले थे कि हम ना यहाँ पे इसुजू लेके आएंगे, अभी तो जिप्सी में आए हुए हैं, जिप्सी में हम इसलिए आए कि सिर्फ देखने के लिए कि ऑब्स्टेकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बट रिस्क ही यार इसुजू को लेके आएंगे ना, एक तो बड़ी गाड़ी है ऊपर से लग्जूरियस गाड़ी है, तो कहीं कुछ हो गया तो फिर रिस्क पड़ जाएगा। तो अभी के सीन्स कुछ ऐसे है कि यहाँ से निकलेंगे हम लोग ऊपर तक, बर्गर वगैरह खाएंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद ना इसुजू को लेके निकलेंगे हम लोग एक सीक्रेट जगह पर, अभी नहीं बताऊँगा सीक्रेट जगह पर। तो पहले यहाँ से निकलते हैं ऊपर को कुछ खाने के लिए। अभी के सीन्स कुछ ऐसे है कि हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से कोठी की तरफ को, एक्चुअली तब से लेके ना हम लोग खजली चले हुए थे, कंफ्यूज चले हुए थे कि हमने क्या, क्योंकि प्लान्स हमारे ना सुबह से लेके कुछ और थे, सुबह से क्या पिछले कल रात को ही हम प्लान करके बैठे थे कुछ और, वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है सुबह से, पहले एक चीज़ करने गए फिर दूसरी चीज़ फिर तीसरी चीज़, और किसी न किसी रीज़न की वजह से ना तीनों चीज़ें कैंसिल हो गई है। तो एंड में करना क्या था ना, प्लान हम लोगों को यही बनाना पड़ा कि हम यही अपनी जिप्सी लेके ही जाएंगे कोठी, ब्रिटिशर्स ब्रिज वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा मज़ा करेंगे, फ़न करेंगे और आप लोगों को भी फ़न दिखाने वाले हम काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं, कल ना धूप भी जाने वाली है, धूप से पहले वाले ऊपर पहुँचना है। तो गाइस प्लान में ना थोड़ा सा चेंज है हमारा, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हम लोग जा रहे हैं ब्रिटिशर्स ब्रिज, बट अब हम लोग निकल रहे हैं मजाच, है ना। अब हम लोग निकल रहे हैं मजाच विलेज को, जो कि पड़ता है शनाग से थोड़ा सा ऊपर, ये मजाच वाला रास्ता है क्योंकि ना थोड़ा सा पास है, और उस साइड आप देख सकते हो वो वाला रास्ता आपका बांग वाला नीचे जो है ना, यहाँ पे ना काफ़ी जमा हुआ रास्ता है और मिट्टी के साथ जमा हुआ रास्ता है, ब्लैक आइस है। तो अपनी गाड़ी तो हमारी तो 4x4 है, इजीली निकल जाएगी, अभी के लिए हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है क्योंकि ना इस साइड गाड़ी फंस चुकी है एक, तो अभी भाई की हेल्प करते हैं और गाड़ी को निकालते हैं यहाँ से बाहर को। Let's go.
गाड़ी हम एक्चुअली टोचन करके निकाल रहे हैं क्योंकि बुरे हाल से फंस गई ना, तो अपनी जिप्सी लग चुकी है आगे और पीछे से खींचेंगे इसको। नहीं निकलेगी, नहीं 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 नहीं। काफी ट्राई मार लिया हमने आगे ना ब्लैक आइस से, अपनी जिप्सी को भी ग्रिप नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, तो हमने बेलचे से हटा हटा के बर्फ साइड किया, धक्का दिया, बहुत कोशिश कर ली बट निकल नहीं रही है गाड़ी। बट एक लास्ट टाइम मारते हैं क्योंकि ना गाड़ी इस साइड को जा रही है बर्फ में। अब देखते बेलचे से ना सारा बर्फ हटा रहे हैं और एक ट्राई मारेंगे, होता है ठीक है, अदरवाइज तो गाड़ी को यहीं पार करना पड़ेगा और काफ़ी जगह है यहाँ से गाड़ियाँ निकल जाएगी। तो गाइस गाड़ी को ना लास्ट धक्का दिया हमने वहाँ से और गाड़ी निकल चुकी है बाहर। तो गाड़ी को अभी ऊपर नहीं ले जाएंगे क्योंकि ये ना फ्रंट व्हील नहीं है, बैक व्हील ड्राइव है, ऊपर से आगे वाले टायर भी गंजे है। तो गाड़ी को नीचे ही पार्क करेंगे वाला और पैदल जाएंगे यहाँ से। और पूरी फंस गई थी वहाँ, देखो ना पूरी साइड में फंस गई थी है ना, और कपड़े और जूते हो चुके गंदे। तरुण भाई के देखो वहाँ मेरे भी पूरे गंदे हो गए, लेकिन ठीक है हेल्प कर ली, निकल गए, वो बहुत बड़ी बात है। ऊपर तो हम लोग आ गए ना और इस ब्रिज के ऊपर आ गए और फोटोज काफी अच्छी आती है यहाँ पे। तो मैंने तरुण भाई को बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं गाड़ी को लगाते हैं ब्रिज के सेंटर में और फोटोज अच्छे अच्छे क्लिक कर लेते हैं ना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी तो डालना है कुछ। अभी हम लोग आए हुए हैं मझाज विलेज में। मझाज विलेज मनाली में ही पड़ता है, जो आपका मनाली में शनाग है ना, शनाग से थोड़ा सा ऊपर है। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को मैं यहाँ पे। दरअसल हम लोग सिर्फ व्यू एंजॉय करने के लिए आए थे क्योंकि मैंने कहा तरुण भाई आए ना, इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर कराते हैं मनाली भी। तो अभी व्यू मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, अल्टीमेट व्यू है मनाली जो आता है ना, बहुत रेयर लोगों को इस जगह के बारे में पता है, बट व्यू ना पूरा मनाली दिखता है यहाँ से आपको। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लग चुकी है अपनी गाड़ी और यार क्या बढ़िया लग रही है क्योंकि ऊपर रूफटॉप टेंट ना अल्टीमेट लग रहा है इसमें। और ये जो आपको ऊपर विलेज दिख रहा है ना, ये है मझाज विलेज, ये वाला जो एरिया है नीचे, ये एरिया है शनाग। और वो जो टर्न्स दिख रहे हैं, जूम करके दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे टर्न्स है ना, ये है नेहरू कुंड वाले टर्न्स। ये देखो ये जो जिगजैग टर्न्स है ना, ये नेहरू कुंड वाले टर्न्स है। और आपका जो रोहतांग है वो टॉप पे आपका रोहतांग है, वो रोहतांग आ गया। और ये आपका आ गया कोठी विलेज और यहाँ पे आपकी आ गई पतालसू, पतालसू पीक, जो आपकी सोलांग, जो आपका सोलांग विलेज है ना, यहाँ पे सोलांग विलेज है और ये रही पतालसू पीक। और बाकी व्यू आप देख सकते हो, ये देखो ये पूरा का पूरा ना नीचे मनाली है। और वशिष्ठ भी दिखता है यहाँ से, यार ये दिखाता हूँ आपको वशिष्ठ, ये दिख रहा है, ये सामने विलेज है ना, ये है वशिष्ठ। यहाँ से तो बहुत छोटा लग रहा है बट ना व्यू अल्टीमेट है यहाँ का। तो यार अभी हम लोग निकल चुके हैं मझाज से मार्केट की तरफ को, क्योंकि थोड़े से काम है मार्केट में, सामान भी लेने को है। वैसे प्लान तो था हमारा कि हम लोग ब्रिटिशर्स ब्रिज भी जाएंगे, बट वो ना कल के लिए या परसों के लिए पोस्टपोन कर दिया हमने, क्योंकि काफ़ी आज के लिए यार शाम भी हो रही है और बाकी ना मार्केट में शॉप्स बंद हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी मार्केट चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वशिष्ठ और तब से लेके शूट मैं नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट जाने का रीज़न सिर्फ इतना सा था कि हम लोगों को तरुण भाई के लिए सामान लेना था, थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी बेसिकली। तो शॉपिंग कर रहे थे हम लोग, तो मैंने कहा यार शॉपिंग तो क्या ही दिखाऊं मैं। तो शॉपिंग वगैरह हम लोगों ने कर लिया कुछ नहीं है, ट्राउजर्स वगैरह ले रहे थे उनको, वो ले लिए है। और तरुण भाई को भी सेम मेरी तरह प्रॉब्लम आ रही है ना वॉइस की, तो माइक उनके पास है, माइक मेरे पास दो थे, एक मैंने दे दिया था, बट इसमें ना कनेक्टर लगता है आईफोन में, एक वो कनेक्टर लेना, बट ओरिजिनल ना कहीं पे भी नहीं मिला, हर जगह डुप्लीकेट कनेक्टर्स थे। लेके फायदा नहीं है क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हो तो ओरिजिनल चीज लेके ही फायदा है, तो वो हमने नहीं लिया, बस ट्राउजर्स वगैरह लिए हुए हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वशिष्ठ और आज की इस वीडियो को ना हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।